हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है हमेशा की तरह घर से ही, और आजकल ना थोड़ा भी मतलब घर से इधर उधर जाने जैसा नहीं है क्योंकि नेहा की डिलीवरी की डेट नज़दीक है। एक तो 29 जनवरी की थी, वो डेट तो चली गई है, बाकी दूसरी डेट है 2 फरवरी की, तो वो डेट आने वाली है। तो घर में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं और खुशी का माहौल भी है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। नेहा आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लग तो नहीं रहेगा। तो नेहा का काम है अभी गहत की दाल बिनने का। तो आजकल ना ज्यादातर मैं घर में ही रहता हूँ, और घर से अगर बाहर भी जाता हूँ जैसे मार्केट वार्केट भी, तो फटाफट आ जाता हूँ। एक आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा कि क्रिकेट मैच देखने के लिए गए थे, एक वही दिन था जिस दिन मैं लगभग सुबह से शाम तक वहीं था, बाकी तो मैं घर में ही रहता हूँ क्योंकि इस टाइम पे नेहा के साथ रहना जरूरी है ना। आज रह रही हूँ तो ऐसा डायलॉग मार रहे हो क्यों? और दिन नहीं रहता हूँ ना, एक ही दिन तो गया मैं क्रिकेट मैच देखने, और दिन तो आपके साथ ही रहता हूँ ना। कभी पूजा है कहते हो, कभी छल पूजा है कहते हो, कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है। नहीं अभी तो जाता हूँ तुरंत। कब तुरंत? एक डेढ़ घंटे में तो आ ही जाता हूँ। अच्छा, एक डेढ़ घंटा तो आपको जाने में लगता है? ना ना खाली मत दलो यार, आप दल रहे हो, मैं नहीं दल रही हूँ। है ये तो आप मेरी पोल खोल रहे हो फिर खाली फालतू वाली। हाँ फिर है, मजाक कर रहे हो। तो गहत की दाल बन रहे हैं क्योंकि ना गहत की दाल पापा जी को बहुत पसंद है, तो आज दिन में गहत की दाल बनाएंगे है ना। तो ये देखो नेहा का फ़ोन का स्टैंड है थर्मस, और यहीं पे फ़ोन खड़ा करके रखा हुआ है। थोड़ी देर पहले पूजा से वीडियो कॉल हो रही थी तो फ़ोन यहीं पे है। हेलो, तो देखो पूजा का वीडियो कॉल आया है और पूजा कुछ खा रही है। पूजा मौसी बनने वाले हैं? बन गए क्या? बन गए? बनने वाले हो? मैंने बन गए थोड़ी कहा, देखो तो। अच्छा मतलब मौसी बनने की खुशी में ये खाना पहले ही खाया जा रहा है। बाद में खाना नहीं खाया जाएगा ना, खुशी से। खुशी से तो फिलहाल तो मेरा काम खत्म हो गया, अब काम है खाने का। तो रोज मैं दिन में एक एक दाना अनार खाती हूँ, एक घंटा छिलने में लग जाता है, उसके बाद खाने में, और लास्ट में होता है कितना है इतना। तो फिलहाल अभी दिन के लगभग बज चुके हैं 1, और अभी जो है मम्मी ने किट्टू को नहला रखा है और नेहा की प्रैक्टिस चल रही है कि अब जब बेबी हो जाएगा तो उसको कैसे पकड़ेंगे। तो ये ना बिल्ली ठंडे से कांप रहा है किट्टू, तो नेहा ने बड़े प्यार से पकड़ रखा है इसको। देखो ये, देखो ये नहला के बड़ा गंदा दिखता है ये किट्टू, खेतों में जाएगा कह रहा हूँ वो। तो देखो आज किट्टू, किट्टू ले ले किट्टू, तो आज देखो किट्टू नहा धो के बढ़िया सा बना हुआ है। बाकी इसी के साथ नेहा ने भी दिन का खाना बना दिया है, और मम्मी अभी जो है हल्दी कूटने का काम कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत अब मम्मी की हेल्प करते हैं। तो आज का मौसम देखो बहुत ही खतरनाक हो रहा है, ऊपर को पूरे बादल लगे हुए हैं, और भाई साहब यहाँ को तो काले बादल भी लगे हुए हैं, और कल बता रखी है बारिश। मुझे ये मौसम देख के लग रहा है कि आज ही हो जाएगी, बगैर होगी नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा ही मौसम हो रहा है। तो यहाँ पे मम्मी बैठ बैठ के जो है हल्दी कूटने का काम कर रहे हैं, और हल्दी ना मुखल से नहीं बल्कि सब्बल से कूट रहे हैं। उल्टू साइड पे ना कूटू, उल्टू साइड पे कूटना। अरे उदगे चाली है। अच्छा तो देखिए गांव घरों में ना हम लोग ज़्यादातर हल्दी ऐसे ही उखल में रख के कूटते हैं, और फिर उसके बाद उसको छन्नी से छान लेते हैं, जो मोटा मोटा हिस्सा रहता है ना उसको अलग कर देते हैं, फिर इसको और कूटेंगे, फिर इसको और बारीक बनाएंगे, फिर और छानते रहेंगे। तो ऐसे करते करते हल्दी कूटने का काम होता है। बाकी थोड़ा बहुत अभी सुप्पे में और बचा हुआ है, थोड़ी देर पहले तक हम लोग सब्बल से कूट रहे थे, फिर मम्मी कहती सब्बल भारी हो रहा है, तो इसलिए
मुखल से कूट के फिर हल्का सा सब्बल से भी कूटना पड़ता है, क्योंकि ना मुखल से कूटने पर यहाँ हल्दी नीचे वाले हिस्से में अच्छे से चिपक जाता है, तो फिर ये छुड़ाने के लिए सब्बल का यूज़ करना पड़ता है। मोटर से किचु गाड़ी ते गाड़ी में पोहन भाग्यो। तो देखा मम्मी काम करते करते ऐसे गाना भी गुनगुनाना शुरू हो जाते हैं कि ना, आजकल अब स्लोली स्लोली करके हमारे पहाड़ की ना ऐसी चीज़ें जो है विलुप्त होते जा रही हैं, जैसे घराट हो गया जो पानी से चलने वाले घाट होते हैं ना वो, और ये ओखली हो गया, और रमबांस से जो रस्सी बनते थे गलियों बनते थे, क्योंकि ना पहले लोगों के पास धान कूटने के लिए चक्की नहीं होता था और गेहूँ भी पीसने के लिए चक्की नहीं होता था, तो वो लोग जो है धान को ओखली में कूटते थे और गेहूं को जो है घराट लेके जाते थे, यानी कि घट लेके जाते थे। बाकी आजकल मसाला पीसने का काम जो है मिक्सी कर लेता है, तो ऐसे हल्दी मिर्च ओखल में ना के बराबर लोग कूटते हैं। अब तो बहुत सारे घरों में ना ओखली भी नहीं होती है, हमारे घर में तो अभी बची हुई है, तो ये अच्छी बात है मतलब। तो थोड़ी देर पहले तक ना मम्मी बड़े वाले छन्नी से छान रहे थे, तो ये ना मोटा ज़्यादा हो जा रहा था, तो अभी मम्मी प्लास्टिक वाली छन्नी लाए हैं, तो इससे थोड़ा सा बारीक हो रहा है, तो अब ये वाला भी छानेंगे। ले ये फिर यू वाल छानी तो मैं यू बोल। तो आज का हमारा काम लगभग हल्दी कूटने का ही होने वाला है, अभी तो फर्स्ट राउंड वाला ही बचा है। ये देखो इतना कूटा, फिर ये बनाया, अब इसको छान के और इसमें बचेगा। ये देखो ये थोड़ा बारीक है, ये थोड़ा बारीक है, अभी तो वो वैसा ही है सुबह वाला। अब देखिए इतना बारीक तो ये कूटा था, अब यहाँ भी बहुत सारा हल्दी बचेगा, फिर और कूटेंगे इसको। ओ मम्मी फटाउन है ना उखल कुटन में है ना उन्हें खा लेना को अली लेकिन ना उन्हें कौन है आदू भी बाकी मिला कुटा खाया देखा मम्मी तब भी डाल दे रहे यार गुड। काम करते करते ना मम्मी के एक से एक गाने सुनने को मिल जाते हैं, कि वाह पार्वती मोटरा मोटर जकी चूठल ते गाड़ी में को होलो मेरे सासु को चल ने। इसी के साथ हमारा हल्दी कूटने का काम भी हो गया है, और मम्मी ने लाली खिमा को गोठ में बांध दिया है, तो अब उनके दरवाजे में ना एक कंबल और एक प्लास्टिक लगा दिया है ताकि अंदर को ठंडी हवा न जाए। तो देखिए दिन का खाना भी हमारा हो गया था, तो आज दिन के खाने में था गहत की दाल और चटनी बनाई थी नेहा ने बढ़िया सी, और घर के चावलों का भात था, तो दिन के खाने में बहुत ही बढ़िया आनंद आ गया था। बाकी अभी देखिए शाम के वक्त मम्मी ने ये वाले खेत में हमने बो रखा था लहसुन, तो यहाँ पे राख डाल रहे हैं, यहाँ को इतना मम्मी ने डाल दिया है, थोड़ा बहुत और बचा है तो ऐसे राख डाल रहे हैं। मम्मी छार क्या आना था हाँ, लाशन खुलो हो। तो मम्मी का कहना है कि ये लहसुन में ना राख फेंक के एक तो कीड़े नहीं लगते हैं, एक तो लहसुन अच्छा होता है, तो ये घरेलू दवा है मतलब। बाकी शाम के लगभग अभी 4:30-5:45 हो गया होगा शायद, और भाई लोग आज रोड में क्रिकेट खेल रहे हैं। ये है हमारा गांव का ग्राउंड देवा और प्रधान। और बॉल खो गई है नीचे वहाँ। अच्छा मिल भी गई, चलो तो आप फटाफट से एक बार रोड में जाते हैं, थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलते हैं, फिर आते हैं वापसी। कि वह एक बॉल मिस और आउट, एक बॉल मिस और आउट। अच्छा तो हमारी बाउंड्री है रोड के ऊपर नीचे आउट, और एक बॉल भी मिस हो गई तो आउट, अगर इस टाइम में लगता है तो आउट ही आउट आउट। ला अब मेरी बारी। यहाँ पे बीच बीच में दर्शक बीचों बीच जाते हुए गया।
दर्शक कोई बॉल लेने तो ना पड़ लिया यार ऐसे दिन आ गए। कविता को आउट करना बहुत सरल है, मैं जाऊंगा ना बॉलिंग अभी करा दूंगा। नाइस एफर्ट कैमरामैन। तो चलिए जी, थोड़ी देर क्रिकेट खेलने के बाद हम लोग रोज की तरह घूमने के लिए चले गए थे, बाकी अभी आ गया हूँ ऊपर वाले घर। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।